नमस्कार। फ्राइडे फैबल्स की इस श्रृंखला में स्वागत है आप सभी का। जब तक सभी लोग जुड़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मैं परवीन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसएसटी मिस्ट्रेस कार्यरत हूं 2010 से। पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, एमफिल इन इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। विषय मेरा इंग्लिश और एसएसटी है। हिंदी मेरा शौक है। हिंदी काव्य विधा लिखती हूं और हिंदी का जो साहित्य है उसे पढ़ना भी मुझे कहीं सुकून देता है। और हिंदी का ये शौक, बोलने का ये सलीका, सुनने सुनाने की ये गुफ्तगू मुझे विरासत में मिली है मेरे पिताजी से, जो कि स्नातकोत्तर हैं हिंदी विषय में और हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत रहे हैं। एक वक्त था जब बच्चों का बचपन बिना खिलौनों के दादी और नानी की कहानियां सुनते सुनते गुजर जाया करता था, लेकिन तकनीक बदलती गई, समय बदलता गया और आज का जो युग है वो भागदौड़ का युग है। किसी के पास कहानियां सुनने या सुनाने का इतना वक्त नहीं है और ऐसे में अगर कोई ऐसा मंच मिले जिस पर आपको कहानी सुनने या सुनाने का अवसर मिले तो मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी शुरुआत है। और तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर प्रीति शारदा नाम का, जिन्होंने ये कड़ी शुरू की है सुनने और सुनाने की। जीसीजी 42 में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत हैं प्रीति शारदा जी। और शायद कहीं इस गुम हो चुकी हमारी जो कला थी कहानी सुनने की और सुनाने की, उसे वो जीवंत और मूर्त रूप प्रदान कर रही हैं फ्राइडे फैबल्स के माध्यम से। और अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सुनना और सुनाना। साहित्य की जब बात करते हैं तो बहुत सारी बहुत उम्दा किस्म की कहानियां साहित्य में रही हैं और जिस कहानी को आज आप सुनेंगे वो कहानी जिस भाषा में लिखी गई है और जिस विषय को लेकर लिखी गई है वो आपस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरती देने वाले हैं। दो पंछियों के वार्तालाप के माध्यम से एक समसामयिक विषय को जीवंत किया गया है। सृंजय द्वारा रचित है कहानी। कहानी का नाम है टोप। यूं तो ये कहानी 8वीं कक्षा की एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी शामिल की गई है और बहुत मुझे अच्छा लगा जब मैंने इस कहानी को उस पाठ्यक्रम में देखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी है टोप। बहुत खूबसूरत, आप सुनिए, आनंद लीजिए। एक थी गवरैया और एक था गवरा, यानी एक नरचिड़िया और एक मादा चिड़िया। दोनों एक दूसरे के परम संगी, जहां जाते जब भी जाते साथ साथ ही जाते, साथ हंसते साथ रोते, साथ खाते पीते और एक साथ सोया करते। भिन्नसार होते ही खोते से निकल पड़ते। भिन्नसार मतलब अल सुबह, सुबह सुबह अपने खोतों यानी घोंसलों से निकल पड़ते दाना चुगने के लिए। एक शाम गवरैया के दिल में न जाने क्या आया और बोली, आदमी को देखते हो? अपने गवरा से बोले, यानी मादा चिड़िया नर चिड़िया से कहती है कि आदमी को देखते हो, कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फबता है उन पर कपड़ा। गवरा जो है तपाक से बोला, खा फबता है कपड़ा, देखो तो कपड़े पहनकर कितने बदसूरत लगते हैं। अब तुम्हें ही देख लो, तुम्हारे तन पर कोई कपड़ा नहीं है और तुम्हारे सुघर काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमकती है। अब अगर तू मानुष की भांति कपड़ा पहन लेगी, सर ढक लेगी, तो तेरी सारी खूबसूरती कहीं ओझल ना हो जाएगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं पहने जाते, गवरैया ने उसे समझाने की कोशिश की। मौसम की मार से बचने के लिए भी तो आदमी कपड़े पहनता है। तू समझती नहीं, गवरैया न जाने आज दिल में क्या लेकर गवरे के सामने बैठी थी। गवरा कहता है, तू समझती नहीं, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी ताकत भी चली जाती है, यानी उनकी क्षमता, यानी आदमी ने अपने आप को कपड़ों के अनुसार ढाल लिया। सर्दी में गर्म कपड़े पहन लेता है
और गर्मियों में ठंडे कपड़े पहन लेता है। तो शायद जो उसका एक प्राकृतिक सशक्ति थी, एक सशक्तपन था जिससे उसको सर्दी और गर्मी सहने की ताकत मिलती थी, गवरा कहता है कि वो शायद कहीं खत्म हो चुका है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता, यह नीरा पोंगापन है, गवरा बोला। आदमी तो लिबास में भी फक्त लाज नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं, उनको भी दस्तानों और जुराबों से ढक लेता है, सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, गवरैया बोली, मेरा भी मन करता है टोपी पहनने का। हाँ तो ये बात थी, अब आई गवरैया अपनी बात पर, यानी गवरैया तहे दिल से चाहती है कि उसके पास भी एक टोपी हो। टोपी तू पाएगी कहाँ से, मिलेगी कहाँ से तुझे, गवरा बोला। टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, एक टोपी के लिए कितनों का टाट उछल जाता है, सही बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती, अपनी टोपी सलामत रखे इसके चक्कर में न जानो कितनों की टोपी उछालता फिरता है आदमी। गवरा भी तनिक समझदार था लेकिन शक्की भी, जबकि गवरैया बड़ी जिद्दी थी और धुन की पक्की थी। ठान लिया सो ठान लिया, अब उसने जरा ठाना है कि वो राजा की भांति एक टोपी पहनेगी। और वैसे भी कहा गया है जहां चाह वहां राह। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे से चुगने निकले। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला, रुई जानते हैं, रुई कॉटन का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया, गवरैया बड़ी खुशी से चिल्लाई, अरे क्या मिल गया रे तुझे, गवरे ने चहकर पूछा। मिल गया, मुझे टोपी का जुगाड़ मिल गया, तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन चाबुक मिल गया, तेरे ही तरह वो भी उछलने लगा। मिल गया मिल गया मिल गया, चाबुक मिल गया, अब घोड़ा भी मिल जाएगा, पर आज तक बेचारे को घोड़ा नहीं मिला। अब तो रुई का फूहा पाकर ये मत समझ कि तुझे टोपी मिल गई, लेकिन गवरैया को तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत जिद्दी थी, धुन की पक्की थी, बस तुम देखते जाओ अब इस फोहे की टोपी बनती कैसे है। गवरैया रुई का फाहा लिए एक धुनिया के पास गई, धुनिया जो रुई काटता है, सूत बनाता है, और बड़े मनुहार से बोली, मनुहार बहुत प्यार से बोली, भैया भैया एक रुई मेरे पास भी है, इसे जरा धुन दो। धुनिया बेचारा बूढ़ा था, बोला तू जाती कि नहीं जाती, अपना काम कर, मुझे राजा के लिए रजाई बनाने के लिए रुई अभी धुननी। चिड़िया मारने वाली कहाँ थी, गवरैया ने तो ठान रखा था। उज ना करो भैया, गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, उजरत मायने मजदूरी, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, तुम इसे धुन दो और इसमें से आधी रुई तुम रख लेना और आधी मुझे दे देना। घर चो घर चो, जो धुनिया था उसकी मशीन चल रही थी, आवाज कर रही थी, और इतनी बढ़िया मजदूरी ही तो शायद उसे आज तक कभी मिली भी नहीं थी, राजा की राज में भी नहीं। तो वो मान गया, उसने रुई को काट दिया और आधी गवरैया को दे दी और आधी खुद रख ली। थोड़ी देर बाद गवरा और गवरैया एक कोरी के यहाँ गए, कोरी मतलब वो जो सूत बनाता है। कोरी की कमर थोड़ी झुकी हुई थी, बदन पर सजी धजी हुई थी, वह अनिच्छा से बोला, तुम लोग यहाँ से जाते हो कि नहीं जाते, देखते नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए अचकन का सूत काटना है, मुझे फुर्सत नहीं है भैया मुफ्त में मल्हार गाने की। भैया इस मुल्क में सब काम क्या राजा के लिए होता है, गवरैया बड़ी अचरज से बोली। तो किस मुल्क से आई है री गवरैया, कोरी ने उसे आंख भर कर देखा, जानती नहीं यहाँ का चलन, खट मरे बरगा बैठा खाए तुरंग, यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है, और मैं भी उन्हीं का काम कर रहा हूँ, गवरैया बोली। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, चिड़िया बड़ी चालाक थी, उसने कहा इसे काट दो, आधा तुम ले लो और आधा मैं ले लूंगी। वही जुगाड़ गवरैया ने यहाँ भी चलाया, कोरी भी तैयार हो गया, इतनी बढ़िया मजदूरी भला क्यों छोड़ता।
तन 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 करके उसने अपना तकला चलाया और लच्छेदार सूत काट दिया। सूत बड़ा महीन था। चिड़िया रुकी नहीं, यूं भी उसका आधे से ज्यादा काम तो हो ही चुका था। और इसके बाद वो एक बुनकर के पास पहुंची। बुनकर भैया, बुनकर भैया, इस सूत से जरा मेरा कपड़ा बना दो। बुनकर ने आप देखा ना ता बोला, हटते हो कि नहीं यहाँ से? देखते नहीं, मुझे अभी राजा जी के लिए एक बाग बुनना है। अभी थोड़ी देर में ही राजा जी की कारिंदे आ जाएंगे और मुझसे जवाबहाज भी करेंगे। इतना कहकर बुनकर अपने काम में लग गया। इसे बुन दो ना भैया, गौरैया ने साहस सजोकर कहा। हम सैंत मैत में काम नहीं कराते, अर्थात हम फोकट में काम नहीं कराते। तुम इसे बुन दो तो आधा तुम्हारा और आधा हमारा। बुनकर ने देखा सौदा तो बुरा नहीं है गौरैया का, तो उसने फटाफट से सूत को काटा, ताना वाना बसा दिया और उसमें से आधा गौरैया को दे दिया और आधा खुद रख लिया। अब गौरैया ने तीन चौथाई मंजिल तो हासिल कर ही ली थी। कपड़ा दिए लिए वह एक दर्जी के पास पहुंची। दर्जी भैया, इससे जरा टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से? दर्जी बड़े गुस्से में बोला। देखते नहीं, राजा जी की सातवीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है और उस 10 रतन के लिए मुझे ढेरों सारे झबले सिलने हैं। झबले जानते ना, छोटे बच्चों को जो पहनाए जाते हैं। दर्जी ने माथे से पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरते हुए कहा, न देना और माथे भर पसीना। हम तो भैया बेगार में कुछ काम नहीं कराते। ये बात कौन कहेगा? गौरैया बहुत चालाक जो ठहरी। इसे बुनकर टोपी बना दो, जो बचेगा उससे 2 टोपियां तुम से लेना। इतनी मुंह मांगी मजदूरी दर्जी भला क्यों छोड़ने वाला था। कच 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 करके उसने अपनी कैंची चलाई और सर सर करके अपनी सुई, और लो जी उसने एक बहुत खूबसूरत टोपी तैयार कर दी और इतना खुश हुआ कि उस पर 2-4 फुंदे भी अपनी तरफ से लगा दिए। टोपी पहनी चिड़िया ने और बहुत खूबसूरत लगी। वाकई तू तो रानी लग रही है, गवरे ने कहा। अभी तक गवरा बड़ा शांत था, वो देखे जा रहा था कि उसकी पटवानी कर क्या रही है। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नया हुल्स मारा। इस मुल्क का राजा कितने लोगों को काम पे लगाए थे, चलो जरा उसकी भी हेकड़ी निकाल ली आती हूँ। यही सोचकर गौरैया उड़ते उड़ते महल के कंगूरे पर जा बैठी, यानी महल के छज्जे पर जा बैठी। राजा उस वक्त धूप सेक रहा था। 4 नौकर मालिश कर रहे थे, कोई सिर मल रहा था, कोई पांव मल रहा था, और गौरैया कंगूरे पर बैठकर चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मेरे सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी नहीं, ठान कर आई थी गौरैया कुछ करने की। मालिश करवाते करवाते राजा की नजर गौरैया से टकराई। गौरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा के पास तो टोपी ही नहीं। राजा को देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने अपने एक नौकर को बुलाया और कहा कि इस फगदूती की गर्दन मसल कर पंखने नोच। फगदूती मतलब बिटरी हुई चिड़िया, जो कि न जाने क्या पाकर अपना होश गवा बैठी। खम्मा खड़ी महाराज, मच्छर मारकर हाथ गंदा क्यों करते हो? अपने आप चली जाएगी। नौकर ने सोचा चिड़िया तो हाथ नहीं आएगी, लेकिन राजा को जरूर मूर्ख बनाया जा सकता है। तो उसने क्या कहा, मच्छर मारकर हाथ गंदा क्यों करते हो मालिक, अपने आप चली जाएगी। लेकिन राजा भी कहां मारने वाला था। उनमें से एक नौकर ने गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी और दूसरे सिपाही ने फट से टोपी उठाई और राजा के हाथ में दे दी। लो जी, टोपी को देखते ही राजा बहुत गुस्से में आया। इतनी नगीना टोपी, और वो भी उसके साम्राज्य में, किसने बनाई? गिरते पड़ते सबसे पहले दर्जी आया। दुहाई अन्नदाता, दुहाई, मैंने कहा टोपी बढ़िया बनाई? टोपी तो बढ़िया इसलिए बनी क्योंकि कपड़ा बहुत महीन था। अब कपड़े वाले की सामत आई। कपड़े वाले को बुलाया गया और राजा
फुनक कर बोला, नाक की तरह गुस्सा आया था उससे, फुनकता हुआ बोला, इतना उम्दा सूत तुमने काटा कैसे? अब सूत काटने वाले को बुलाया गया। सूत काटने वाला भी बेचारा हाथ जोड़ कर आया, बोला, खंबा खड़ी महाराज, इसमें हमारा कोई गलती नहीं, ये रुई जो थी वो बहुत बढ़िया किस्म की थी, और रुई इतनी बढ़िया थी तभी तो जो है बादलों की तरह रुई से बहुत महीन जो है कपड़ा बना। हंसते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ, खम्मा अंदाता खम्मा, तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए तो आज तक नहीं कार किया, आपके लिए भी किया है सरकार, धुनिये ने जमीन पर लेट कर कहा, और आगे भी आप ही के लिए करेंगे, हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें नफासत क्यों नहीं थी। अब राजा तो जानना चाहता था कि इतनी बढ़िया टोपी अगर चिड़िया के लिए बन सकती है तो इतने दिनों में इतनी बढ़िया टोपी उसके लिए क्यों नहीं बनी। वो सोच रहा था कि आखिर क्यों इतना बढ़िया काम कभी उसके लिए नहीं किया गया। अब किसी को तो जवाबदेही थी ना, किसी ने तो जवाब देना था। चलो, अब एक उनमें से बोला कि महाराज अगर अभय दान दें, यानी अगर मुझे माफ करें, तो मैं बताऊं कि आपके कपड़े में इतनी नफासत क्यों नहीं आती। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा हम सबको मजदूरी के तौर पर दिया। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, इसका तो धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जोड़ती, तभी तो मेरी टोपी छीन ली है। राजा तो वाकई अकबका रह गया, एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कमजोरी देखकर वह अचरज में था, तीसरे उसे एक बात और परेशान कर रही थी, वो ये कि खजाने की पोल खुल रही थी कि राजा सब काम बगार में कराता है, मजदूरों से देता कुछ नहीं है, और खजाना फिर भी खाली हुआ जा रहा है। क्यों, लगती है ना आज की राजनीतिक परिपेक्ष में कहानी बिल्कुल सच, यही तो हो रहा है आज के समाज में भी, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब कहीं और गरीब होता जा रहा है। इस पाखी को कैसे पता चला कि खजाने का धन घट रहा है? तमाम बेगार करवाने वाले बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली कैसे हो रहा है? इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजमे का बोझ भला खजाना कब तक संभालेगा? जनता पाई पाई जोड़कर खजाना भर रही है, और उसी खजाने को जो देश का मालिक है, जो देश का राजा है, वो कैसे लुटा रहा है अपनी ऐशो आराम और आराम परस्ती के लिए? तमाम लोग निकल आए कि तमाशा देखने के लिए। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट तो महाराज आपको बेपर्दा कर देगी। राजा तो खुद घबरा गया, झट से बोला, इसकी टोपी वापस करो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। कंगूरा, कंगूरा आप समझते हैं छज्जा। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो बहुत डरपोक है, नीरा डरपोक, मुझसे डर गया, मेरी तो इसने टोपी ही लौटा दी, मैं कहा और राजा कहा, कौन इस मुंहफट के मुंह लगे। राजा इतना कहकर बिल्कुल उस स्थिति में आ गया जैसे उस लोमड़ी की होती है जिसे अंगूर ना मिले और वो ये कहते कि अंगूर खट्टे थे। क्यों मंत्री जी, राजा ऐसा कहकर अपनी टोपी कसकर पकड़ के बैठ जाता है। अब राजा को ये डर भी सता रहा है कि कहीं जो उसका अपना तख्तो ताज है, अगर एक चिड़िया उसे इतनी चेतावनी देकर चली जा सकती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले भविष्य में जनता बगावत कर उठे और उसकी अपनी टोपी जो है वो उछल जाए, वो पलट जाए। कैसी लगी आपको कहानी? सृंजय ने चिड़िया और चिड़ा जो एक मादा और एक नर चिड़ी जो है उसके माध्यम से बहुत बढ़िया एक समसामायिक विषय को चुना है। कहानी का विषय लेखक का जो भी रहा हो, लेकिन आज की दृष्टि में, आज के राजनीतिक परिपेक्ष में कहानी बिल्कुल सटीक है।
जनता का पाई पाई से जोड़ा हुआ पैसा जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट राजनेताओं के तिजोरियों में बंद हो रहा है और जनता वैसे ही बेहाल है जैसे इस राजा के राज में मजदूरों, काशिंदों और कारीगरों का हाल। तो बहुत बढ़िया उद्देश्य को लेकर कहानी लिखी गई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी आपको, इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर उत्तर दें। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।